वेलकम दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा एक थोड़ी सी अजीब सर्विस के बारे में जो अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है अपने कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए, जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी हटके होती है। एक्चुअली जनरली क्या होता है कि हम लोग अमेज़ॉन के इसमें, AWS के इसमें जाके खुद के EC2 लेते हैं, हमारे सर्विसेज लेते हैं, सब कुछ उनके सर्विसेज वेबसाइट से करते हैं, राइट। AWS.amazon.com जो कुछ भी है, कंसोल पे जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं, VPC बनाते हैं, जो कुछ भी करना है सब वहाँ जाके करते हैं, राइट। लेकिन एक ऐसे तरीके की भी कोई कैटेगरी है जिसमें जो कुछ कॉरपोरेट एंटिटीज है, जो कंपनीज है, वो बोलते हैं कि मुझे डाटा आपके सिस्टम पे नहीं चाहिए, डाटा मेरे प्रीमाइसिस में चाहिए, डाटा मेरे प्रीमाइसिस में चाहिए, लेकिन सर्विसेज अमेजोन की चाहिए, AWS की चाहिए। तो ये थोड़ी सी अलग डिमांड हो गई। तो उनके लिए भी AWS ने एक सिस्टम बना रखा है, एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है। इसमें वो हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, उनके हार्ड डिस्क होते हैं, उनके रैक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से, एंड वो उनके कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर AWS यूज़ करने के लिए, ताकि जो भी एंटिटी है, जो कॉरपोरेट एंटिटी है, यूजर्स है, वो लोग उस सॉफ्टवेयर के जरिए VPN के थ्रू बोलो या जैसे भी AWS की सर्विसेज यूज़ करें इंटरनली, लेकिन पूरा डाटा एक्चुअली उनके सर्वर पे होता है। अब ये एडवांटेज मिल गया कि डाटा मेरे सर्वर पे है, लेटेंसी कम है, सुपर फास्ट है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी आता है कि उसको हमेशा बैकअप देना, पावर बैकअप देना, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो देना, थेफ्ट से बचाना, वो हार्ड डिस्क चोरी करके नहीं ले जाना चाहिए, करके आप उसको सिक्योरिटी वॉचमैन लगाओ, जो कुछ भी अमेज़ॉन हमें प्रोवाइड करता है वो सब चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती है, राइट। लेकिन चलो जानते हैं क्या चीज़ है, क्या होता है। तो उसका नाम है अमेज़ॉन AWS आउटपोस्ट। ये फुल्ली मैनेज सर्विस होती है एक्चुअली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड कर सकते हैं आप अपने ऑन प्रीमाइस पे। बेसिकली पूरे डाटा सेंटर वो आपकी तरफ ला के डाल देता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि द सर्विस दैट अलाउज यू टू रन AWS इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रीमाइसिस इन योर ओन डाटा सेंटर और को लोकेशन फैसिलिटी। तो इसके लिए जो भी हार्डवेयर की चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आपको AWS देगा, वो खुद इंस्टॉल करके देगा, अपने इंजीनियर फिजिकल लोकेशन पे भेजेगा आपकी तरफ। ये चीज़ जनरली बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसी सर्विस भी AWS देता है, बट ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, छोटे मोटे लोग, छोटी मोटी कंपनियां नहीं कर सकती, नहीं उतना कॉस्ट या नहीं कर पाएगी और उतना फैसिलिटी नहीं दे पाएगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो देती है एक्चुअली। तो उसके की फीचर्स है कि आपके AWS को लोकल एक्सटेंशन मिल गया, मतलब आपके सिस्टम से ही वो इंटरनली कनेक्टेड हो गया। बेसिकली स्टोरेज और कंप्यूटर आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है, जैसा भी चाहिए आपको पहले ही खरीदना पड़ता है, ये खरीदना पड़ता है, इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे आप AWS पे कोई EC2 लेते हो 2 GB, 10 GB, 50 GB, 100 GB का, तो आप वो हार्डवेयर नहीं खरीदते, आप सिर्फ वो इंस्टेंस उतने दिन के लिए खरीदते हो, राइट, और बाद में रिलीज भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ में आपको खरीदना पड़ेगा। और आपको दूसरा चाहिए तो दूसरा भी खरीदना पड़ेगा, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, जो कुछ भी है, तो ये सब हेडेक आपके पीछे लग जाता है। तो ये एक मैं आपको बताने वाला था। एक्चुअली ये एडवांटेज तो है, लेकिन ये ड्रॉबैक में भी आता है। ये मैनेज सर्विस है क्योंकि इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ आपको AWS खुद देता है। ये बहुत सुपर फास्ट होता है, लो लेटेंसी एप्लीकेशन है एक्चुअली, क्योंकि आपके ऑन प्रीमाइसेस में, और हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर है, हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर अलग अलग क्लाउड चाहिए, मतलब आपको गूगल क्लाउड से भी करना है, एज़्योर से भी करना है, तभी भी आप कर सकते हो। डाटा रेसिडेंसी मतलब ये आपके सिस्टम पे रेसिडेंस कर रहा है, आपके ऑन प्रीमाइसिस पे है, लो लेटेंसी है, जिसके लिए ऐसे कोई एप्लीकेशन जिसको सही में आपको सुपर फास्ट सिस्टम चाहिए, तो आप ये आइडियल है आपके लिए, आप ये कर सकते हो एक्चुअली। अब इसमें एक ड्रॉबैक भी है डिसकनेक्टेड एनवायरनमेंट का, जिसमें आप कुछ रिमोट लोकेशन पे, रिमोट साइट्स पे इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी मिलती है आपको, मतलब कि 100 out of 100 times आपका कनेक्ट नहीं होगा, ऐसे समझ के चलो 50 बार कनेक्ट होगा, 50 बार नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक्चुअली। और जो इंडस्ट्रियल IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सब लोकल है आपके सामने, राइट। अब इसके रैक होते हैं, रैक बड़े छोटे जो कुछ भी है वो बताना चाहते हैं आपको कि 42U रैक विथ इंटीग्रेटेड AWS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड आउटपोस्ट रेडी करके एक दूसरी चीज़ है, जो प्री वैलिडेटेड प्री इंस्टॉल्ड हार्डवेयर होता है, वो आपके ओन रैक में ला के डिप्लॉय करता है, बेसिकली आपके पास ला के डिप्लॉय करता है वो, ठीक है। अब इसका एक है कि कनेक्टिविटी, इसको हाई स्पीड चाहिए आपके AWS के साथ में, ये ध्यान में रखना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में
अब एक केस स्टडी है कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको बहुत सारे अलग अलग जगह पे उसके फैसिलिटीज है, ब्रांचेस है, उनको बहुत बड़ा बड़ा डाटा प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, जो कि IoT है, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आता है, जैसे स्मार्ट वॉच से आ रहा है, आपके स्मार्ट ट्यूबलाइट से आ रहा है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन से आ रहा है, जो कुछ भी। तो उसमें वो बोल रहा है कि डाटा सिक्योरिटी भी चाहिए और लो लेटेंसी, मतलब मैंने अगर बटन दबाई कि मेरा घर का AC बंद होना चाहिए, स्मार्ट AC, तो इमीडिएट बंद होना चाहिए, राइट। या मैंने बोल दिया कि फायर अलार्म है, वो बज रहा है, तो चलो पानी रिलीज कर दो, तो इमीडिएट, ऐसे नहीं कि 1 घंटे के बाद हो रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ क्या है कि वो देख रहा है कि क्या है, तो उसको पता चला AWS आउटपोस्ट है, उसने अपने अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसको इंस्टॉल कर दिया। अब ये एडवांटेज है, तो ड्रॉबैक क्या है कि जितने भी प्लांट है वहाँ के लिए उसने हार्डवेयर खरीदा, और वो वहाँ वहाँ AWS के लोग गए, उन्होंने वहाँ वहाँ इंस्टॉल किया, तो एक्चुअली उसके चार्जेस भी उनको लगे। एंड हर आउटपुट पे EC2 इंस्टेंस है, आउटपोस्ट पे EC2 इंस्टेंस रन कर रहा है, और EBS वॉल्यूम्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया, अमेजॉन काइनेसिस डाटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ किया, और AWS लैम्बडा रियल टाइम प्रोसेस के लिए किया। अभी AWS लैम्बडा क्या चीज़ है आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में, लेकिन फिर से बोलता हूँ कि ये एक सर्वरलेस चीज़ होती है जो कि इवेंट ड्रिवन होती है। अगर कोई इवेंट होता है, जैसे आपका स्मार्ट वॉच कोई सिग्नल भेज रहा है, तो अगर आपने कॉन्फिगर कर दिया कि वो लैम्बडा कॉल करना चाहिए, तो वो लैम्बडा कॉल करेगा, कुछ भी करेगा उस पर, जैसे मान लो S3 बकेट में कुछ सेव करना है, RDS डाटाबेस में कुछ सेव करना है, तो जो कुछ भी इवेंट करना है वो करेगा, चांद बैठ जाएगा। तो ये भी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया फास्ट इसके लिए, सर्वरलेस के लिए। और डाटा रेसिडेंसी का तो कर ही दिया, क्योंकि हर जगह पे उनके AWS ने खुद के हार्ड डिस्क लगा दिए जो इन्होंने खरीदे थे, वो सब हो गया। तो इसका ये हो गया उसका यूज केस कि उन्होंने अपने पूरे ब्रांचेस में जितने भी थे हर जगह पे इंस्टॉल करवा दिया और यूज कर रहे हैं AWS के साथ में। उसके बेनिफिट देखिए, डाटा रेसिडेंसी कॉम्प्लाइंस है, मतलब कि मेरा रिक्वायरमेंट था कि डाटा मेरे बाहर नहीं जाना चाहिए, वो मिल गया। लो लेटेंसी है, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है, आपका सॉफ्टवेयर भी आपने इंस्टॉल करवा लिया AWS का, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है। स्केलेबिलिटी है, आपको जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपको बढ़ाना है तो आपको फिर से रिसोर्स खरीदना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ऑन प्रीमाइसिस में अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको API और टूलिंग वगैरह जो आपके पास ही सब कुछ है आउटपोस्ट के द्वारा मिल जाएगी, मतलब कि बड़ी कंपनी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी ने ऐसा पूछा यार कि मुझे मेरा डाटा AWS पे नहीं रखना है, मुझे नहीं पता AWS के एम्प्लॉय को एक्सेस मिल गया, तो ये इस टाइप का भी तो आपका सवाल हो सकता है ना। तो फिर उसी के लिए ये इसका जवाब ये दिया है उन्होंने कि ठीक है, आपका बड़ा रिक्वायरमेंट है, आपके बड़े एक्सपेक्टेशंस है, तो हम आपको आपके ऑन प्रीमाइस में लाके इंस्टॉल करके मैनेज करके देते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो AWS के लोगों के आने तक के इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, टिकट डाल के। तो ये सब चीज़ें भी लागू है, जहाँ ड्रॉबैक एडवांटेज आते हैं वहाँ ड्रॉबैक भी आते हैं। तो मैंने आपको इसके पूरे एडवांटेज भी बता दिए, पूरे ड्रॉबैक भी बता दिए, तो डिपेंड करता है आपकी यूज़ केस के ऊपर एक्चुअली। तो दोस्तों ये एक नई चीज़, मैं बहुत श्योर हूँ आपको ये नई चीज़ आप पता चली होगी कि आउटपोस्ट काम की भी कोई चीज़ जो AWS आपको देती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।